और एलजी के बीच फिर टनी। अधिकारियों को सीएम केजरीवाल का निर्देश, एलजी से सीधे आदेश लेना बंद करें। ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी तरुण भी कर रहे थे कि केजरीवाल सरकार का अधिकारियों को यह साफ तौर पर निर्देश है कि दिल्ली एलजी से सीधे आदेश लेना बंद करें। सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभाग सचिव को दिए निर्देश, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स यानी कि टीबीआर का सख्ती से पालन हो। और सचिवों को निर्देश दिया गया है कि एलजी से मिलने वाले किसी भी सीधे आदेश के संबंध में संबंधित मंत्री को पहले रिपोर्ट करें। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर सचिवों को सीधा आदेश जारी कर रहे हैं उपराज्यपाल, ये अरविंद केजरीवाल का आरोप है। और एलजी के ऐसे असंवैधानिक सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा। एलजी की तरफ से दिए जाने वाला ऐसा कोई भी आदेश संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू कराने के लिए सरकार की ओर से गंभीरता से काम किया जाएगा। और मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ गए हैं इस वक्त। बलराम, एक बार फिर टसल देखने को मिला है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीधे एलजी के आदेश ना माने। बिल्कुल, देखिए एलजी और दिल्ली सरकार में टकराव बार बार देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी दिल्ली के अधिकारियों से कहा है कि जो दिल्ली सरकार के निर्देश हैं उनका पालन करें और सीधे जो उपराज्यपाल हैं उनके निर्देश लेना बंद करें, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है और बार बार ये आरोप दिल्ली सरकार ने लगाया है कि एलजी साहब डायरेक्ट जो अधिकारी हैं उन्हें निर्देश दे रहे हैं, और यही वजह है कि एलजी के निर्देश का पालन अधिकारी कर रहे हैं। यही वजह है कि आज उन्होंने ये साफ तौर से कहा है कि जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं वो एलजी से आदेश लेना बंद करें और उनके निर्देश पर काम करना बंद करें, दिल्ली सरकार के निर्देशों का पालन करें, और अगर कोई निर्देश देता है तो उसे दिल्ली सरकार को बताएं कि आखिरकार क्या निर्देश मिले हैं, क्योंकि कई ऐसे काम हैं, कई ऐसे आरोप दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए हैं कि अधिकारी अपनी तरफ से जो निर्देश मिलता है वो काम करने लगते हैं और सरकार को कुछ भी जानकारी नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि ये संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है और चुनी हुई सरकार अगर दरकिनार की जाएगी और उसे कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, उसके सचिव जो हैं वो सीधे एलजी का आदेश मानेंगे, तो कहीं ना कहीं ये संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कहा जाए हनन है। और इसी को लेकर के आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अधिकारियों को बलराम ऐसा क्या कोई रीसेंट ऐसा कोई मामला हुआ है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं? देखिए कई मामले, अगर हम फंड को लेकर के बात करें तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस है उन्होंने भी तय समय पर फंड रिलीज नहीं किया है, बार बार उन्होंने टालने की कोशिश की है, ये आरोप है दिल्ली सरकार का। यही वजह है कि ये पूरा मामला जो विधानसभा की याचिका समिति है वहां पर पहुंचा और उसके बाद याचिका समिति ने जो चीफ फाइनेंस कहा जाए सेक्रेटरी हैं उनको बुलाया गया, साथ ही जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस है उनसे भी बात की गई और ये पूछा गया कि आखिरकार जो फंड है वो रिलीज क्यों नहीं हो रहा है। अगर मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो वहां पर भी फंड का अभाव है, इसके अलावा अगर हम जल बोर्ड की बात करें तो वहां पर भी फंड रिलीज नहीं किया गया, तो कई ऐसे विभाग हैं जहां पर तय समय पर फंड नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से जो विभाग है वो सफर कर रहे हैं, वहां पर जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं उनको तय समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा, तो इसको लेकर के भी सवाल खड़े हुए हैं। और जब अधिकारियों से बातचीत की याचिका समिति ने तो उसमें जानकारी मिली कि एलजी के निर्देश पर चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो या फिर जो अन्य सचिव हैं वो काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये निर्देश दिया है कि जो दिल्ली के अधिकारी हैं वो एलजी का निर्देश मानना बंद करें, चुनी हुई सरकार जो निर्देश दे रही है उसका पालन करें और जो अधिकारी डायरेक्ट एलजी के निर्देश पर काम कर रहे हैं वो भी काम करना बंद करें। ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। जी बलराम, क्या ऐसे अधिकारियों पर एक्शन भी लिया जा सकता है मुख्यमंत्री की तरफ से, क्योंकि ये एक तरह से चेतावनी ही समझे इसको अधिकारियों के लिए?
बिल्कुल देखिए, बार बार जो दिल्ली सरकार है वो अधिकारियों से ये कह रही है कि जो एलजी के निर्देश हैं उनका पालन करना बंद करें, क्योंकि जब दिल्ली सरकार कहती है कि ये काम करना है तो कहीं ना कहीं उसमें टाल मटोल की जाती है। और यही वजह है कि बार बार दिल्ली सरकार इस बात को लेकर के जो सेक्रेटरी है, खासतौर से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस है, जो चीफ सेक्रेटरी है या फिर अन्य जो अधिकारी हैं, उनको जब निर्देश दिया जाता है तो वो उस काम को तय समय पर पूरा नहीं करते हैं। लिहाजा जो सरकार है उसके कामकाज में अवरोध उत्पन्न होता है और जनता को परेशानी होती है, क्योंकि जनता ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को चुन करके सदन में भेजा है और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, तो ऐसे में अगर वो काम नहीं करेंगे तो जब चुनाव होगा, जब वो जनता के बीच में जाएंगे तो वो जनता को क्या जवाब देंगे कि उन्होंने क्या काम किया है। और अगर अधिकारी उन कामों में अड़ंगा लगाएंगे, उनको डालने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार सफर करेगी, और जब सरकार सफर करेगी तो जो दिल्ली की जनता है वो भी सफर करेगी। बिल्कुल बलराम, अपना सब बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।